नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुभाष यादव पिछले 15 वर्ष से राजनीति विज्ञान का अध्ययन और अध्यापन करवाता आ रहा हूँ। आपका अपने इस नए YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अतः मित्रों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करें, ताकि हम अधिकाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुंच सकें और उनको इस विषय का लाभ दिला सकें। मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए जो सवाल आपके कॉन्स्टेबल से लेकर के और IAS तक की परीक्षाओं तक आते हैं, उनमें 90% आप कर पाएंगे। और ये मैं पिछले 15 वर्ष के अनुभव से बता रहा हूँ। जो भी हमारा पुराना विद्यार्थी मेरे से पढ़ा हुआ है, वो आपको ये बताएगा कि इन 15 सालों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, इस विषय से, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो सवाल आए हैं, वो सवाल हम हमारे पढ़ाए हुए में से आए हैं। अतः मित्रों, वर्तमान डिजिटल युग, जो ऑनलाइन की शिक्षा चल रही है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को पढ़ें जो वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। वर्तमान परीक्षाओं का पैटर्न बदलता जा रहा है। यदि आपने देखा हो और अनुभव किया हो, तो जो सवाल कभी RAS IAS में आया करता था, वो सवाल अब कॉन्स्टेबल वीडियो और इन परीक्षाओं में आने लगा है। कथन, कारण, निष्कर्ष और शुद्ध अशुद्ध, इस तरह की चीजें। तो पेपर सेटर किस तरह से उन सवालों में और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अतः हम उस कंफ्यूजन को तोड़ नहीं पाते। अतः जो नियमित अध्ययन सामग्री हम इस चैनल पर डालेंगे, वो इनोवेटिव होगी, सारगर्भित होगी और वर्तमान परीक्षा पद्धति के आधार पर होगी। उसको लेकर के और हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अतः इस विषय से संबंधित हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। भारतीय संविधान, से जुड़ी हुई चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। संघीय संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, संविधान का विकास, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, नीति आयोग,
निर्वाचन आयोग सतर्कता आयोग लोकपाल और लोकायुक्त एससी एसटी महिला ओबीसी आयोग राज्य में हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद स्थानीय स्वशासन पंचायती राज और नगर निकाय। राज्य में राज्य सूचना सूचना आयोग लोकायुक्त इत्यादि अर्थात जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघ और राज्य से जुड़ी हुई चीजें हैं हमारे संविधान में, हम उन सब चीजों का बारीकी से अन्वेषण करते हुए, किस तरह से सवाल बनते हैं उन सब का अध्ययन करते हुए और उन सब चीजों को जोड़ेंगे जो परीक्षा में आएगा। अतः इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे लाभान्वित हो सकें और दूर दराज के वो बच्चे भी जो ऑफलाइन एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपना इस ऑनलाइन के माध्यम से इस ऑनलाइन को ऑफलाइन समझते हुए ही और वो ज्ञान की प्राप्ति करें और उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी आशाओं पे खरे उतरेंगे और हर परीक्षा को पास करेंगे। धन्यवाद मित्रों।